मूवी शुरू हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। और आज है 21 मार्च और टाइम हो रहा है अभी 12:30 होने वाला है। और अभी मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। भी नहीं जाऊंगी मूवी अभी। कौन सी मूवी? द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर के ऊपर जो मूवी बनी है, जो पंडितों पर अत्याचार हुआ है, मुझे उतना कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं मूवी को देखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उस मूवी को। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले चाहिए देखिए आप लोग, काफी अच्छी मूवी है। मूवी देखने तो मैं 3 बजे से जाऊंगी, अभी 12:30 हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को 3 शॉप में जाना है। फर्स्ट अभी मैं चॉइस सेंटर वीडियो अपलोड करूंगी, फिर दूसरा कॉस्मेटिक शॉप पे जाऊंगी एक, जो कि गुदरी पे है, नगर निगम कॉम्प्लेक्स के पास। फिर उसके बाद उधर पुराना बस स्टेशन उधर जाना है मेरे को, न्यू मोबाइल देखने के लिए एक शॉप पे। तो यहाँ से वीडियो अपलोड कर ली हूँ मैं। होली मिलन समारोह का काफी ज्यादा वीडियो बड़ा था, 17 मिनट का, तो इसलिए चॉइस सेंटर आना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक शॉप पे आई हूँ, यहाँ पे काम है कुछ थोड़ा सा। तो उसके बाद मोबाइल शॉप मोबाइल देख रही थी, मोबाइल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में हूँ मैं कि कौन सा मोबाइल लूँ मैं। और अभी यहाँ मूवी देखने आने वाले हम लोग, द कश्मीर फाइल्स। तो अभी मेरी जो छोटी बहन है उसको लेने के लिए जा रही हूँ उसके रूम पे। मैं सोची यहाँ पे खड़ी होगी। सो फाइनली जसवाल में आ गए हैं, जेसीएम। दो दे रहे हैं, बीच में सेंटर में कीजिएगा। और तो टिकट मिलते हुए रिसीव कीजिए, आपको हार्दिक बधाई हो। तो इस मूवी को देखने के बाद हम लोग काफी रोने वाले हैं और बोलते हैं कैसा होता है। मैं मूवी देखने जा ही रही थी 3 से 6 और इधर आए हुए हैं 12 से 3 वाले में। कैसा लगा मूवी बताओ? मूवी बहुत अच्छी है और मूवी रियल घटना पे आधारित है और हार्ट टचिंग मूवी है, तो आप सभी एक बार जरूर देखिएगा इस मूवी को। एकदम डाउन साइड के लिए हो गया है, चार्ज नहीं लग रहा है। मूवी ऐसा लग रहा कि देख के इंसान थोड़ा सीरियस मोड़ ऑन हो गया। सही में ऐसा वाला है। जय हिंद। आगे की ओर चलते हुए को देखने के लिए मैं बहुत पहले हम लोग देख लिए होते, मैं जबलपुर चले गई थी और हमारा एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम देख के। हाँ, एग्जाम देख के भागते हुए थी इधर आई हुई है। और यहाँ का तो ऐसा सही हूँ, ऐसा फील होता है मेरे को कि मैं रायपुर में हूँ। सोचती हूँ कि हमारा ब्यूटीफुल सिटी अंबिकापुर का ही है, तो काफी अच्छा लगता है, प्राउड फील लगता है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। मूवी शुरू हो चुकी है, जस्ट आए हैं हम लोग। ऐसी बनी बटस तफा कसम के शेर है, 57 यते। और इस पटनी का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करूंगा। हिंदुस्तान का मुखबिर, इंडियन डॉग। आजादी आजादी आजादी। सेलिब्रेट किया जाता है तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? बुरहान वानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुरहान वानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पोस्ट, यह दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मिल गए, कितना खून चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप, वो मर जाएगा। तुम्हारे आर्मी ने मेरे भाई पे कोई गोली चलाई है, तो उनको पता चलना चाहिए कि एक गोली के बदले में 2 जान लेंगे हम।
इंटरमिशन हुआ है अभी। तो जैसा देखिए आप मूवी एकदम इमोशनल वाली, मतलब कि ऐसा पहली बार ऐसा मूवी बना है बॉलीवुड का कि एकदम ही साइलेंट से शांति से देखो, इतना अत्याचार मतलब कि कश्मीरी पंडित पे हो रहा है। क्या बोलू मैं, तो बोले नो वर्ड्स। सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? अरे बस बस, इसके अलावा कोई और अर्जी? मूवी खत्म हो गया। मेरे ख्याल से 10 कश्मीर फैंस के लिए 6 बज गया है और मूवी तो बोलती बंद हो गई। मूवी को देख के ऐसा रियल लाइफ में हुआ है उनके साथ जो किए, मतलब लिटा के मेरे को वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मूवी को बोलने के लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस ये बोल सकते हैं दिल से जय हिंद। काफी लोग देखने के लिए आए थे, 3 से 6 अब होने वाला है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और मेरी बहन उधर जा रही है, अपने भाई को बुलाई है, उधर से चल जा रही है। वो घर जा ही रही थी तो टाइम 6:30 हो गया है और मैं सोची कि माथा टेक लेती हूँ साईं मंदिर में, क्योंकि काफी दिनों बाद आ रही हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे बैठी हूँ मैं और साईं जी को देख रही हूँ सामने से, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। घर आ गई हूँ मैं और मम्मी पूजा करने का तैयारी कर रही है और ये मार्केट से लाई, ये मैं सूट सिलवाने के लिए दी थी, मतलब होली से बहुत पहले, मतलब ये वाली सूट मेरे को मिली थी शादी में, मैं गई थी वहां शिवपुर शादी में गई थी सूरजपुर, वहां मिला था ये वाला, तो पटियाला सिलवाई हूँ इसको। जब भी कभी भी पहनूंगी तो समझ जाइएगा कि यही वाला ड्रेस है। बहुत दिनों बाद मैं आपको घर का खाना दिखा रही हूँ, जिसमें है चावल दाल, करेले की कलौंजी, लाल भाजी और भिंडी की क्या है, ये है बरबट्टी और आलू का भुजिया। मोबाइल शॉप गई थी जैसा आप देखे, मोबाइल मेरे को एकदम ही कंफ्यूजन, नहीं समझ में आ रही कौन सी मोबाइल लूँ मैं, तो इसलिए मैं अभी सोच विचार करके ही मोबाइल लूंगी। आप लोग भी सजेशन दीजिए कि कौन सा मोबाइल लूँ मैं। आज की जो मूवी थी, मतलब नो वर्ड्स, मतलब पूरा जो हॉल्स होता है, सिनेमा हॉल्स होता है, पूरा सन्नाटा, एकदम सुन, एकदम साइलेंट तरीके से सब मूवी की में एकदम फोकस किए हुए थे। जैसे बहुत सारी मूवी में एंटरटेनमेंट होती है, हंसी मजाक, मतलब गाना एंटरटेनमेंट टाइप का, लेकिन आज की मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब रियल लाइफ, एकदम फुल रियल लाइफ, मतलब जो बैठ के देखे हैं और उठ के घर आ गए। और काफी काबिले तारीफ है मूवी को, आप लोग भी जाइए, नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा। और मिलती हूँ कल की ब्लॉग वीडियो में, अभी के वीडियो पे यहीं तक रखती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।